प्ले स्टोर पर आईडी बनाने के लिए या फिर नया जीमेल अकाउंट बनाने के लिए प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, फिर साइन इन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अगर आपके पास ईमेल आईडी पहले से है तो आप यहाँ पर सिंपली इंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है या फिर आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो हमें तीन ऑप्शन दिखेगा। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे, अगर अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो बीच वाला, और अगर आप चाहें अपने बिजनेस के लिए बनाना चाहते हैं तो नीचे वाला। लेकिन मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाना चाहता हूँ तो मैं सबसे ऊपर वाला सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंटर कर देंगे। लास्ट नेम ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं या आप फर्स्ट नेम में अपना पूरा नाम भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, इंटर करना है, तो इसके लिए मंथ पर क्लिक करके आपका जो भी मंथ आता है वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद आपका जो भी तारीख है वो आप डाल देंगे यहाँ पर, फिर ईयर डाल देंगे। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डेट ऑफ बर्थ सही ही डालें, आप गलत भी डाल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपने क्या डाला था, क्योंकि जब भी आप पासवर्ड रिकवर करेंगे तो हो सकता है कि आपको डेट ऑफ बर्थ डालने की ज़रूरत पड़े। फिर जेंडर पर क्लिक करके मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आपके नाम के अकॉर्डिंग आपको जीमेल एड्रेस सजेस्ट किया जाएगा। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उसमें से चूज कर सकते हैं जो आपको सही लगे, या फिर आप अपना जीमेल एड्रेस अपने हिसाब से कुछ अलग बनाना चाहते हैं, कुछ यूनिक बनाना चाहते हैं तो क्रिएट ऑन जीमेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे। फिर जैसे भी आपको जीमेल एड्रेस बनाना हो, रखना हो, वो यहाँ पर इंटर कर देंगे। अगर वो अवेलेबल होगा तो ठीक, नहीं तो आपको कुछ करेक्शन करने को कहा जाएगा, कुछ बदलने को कहा जाएगा, तो आपको चेंज कर लेंगे। अगर वो अवेलेबल होगा तो फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कोई स्पेशल कैरेक्टर, इसके साथ ही कोई नंबर भी होना चाहिए ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो। आपने जो पासवर्ड इंटर किया है उसको देखने के लिए यहाँ पर शो पासवर्ड वाले बॉक्स पर टिक करेंगे तो आपको पासवर्ड दिख जाएगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा फ़ोन नंबर ऐड करने का, तो मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यह पूछा जाएगा कि इस फ़ोन में जो मोबाइल नंबर है क्या उसको आप ऐड करना चाहते हैं, तो अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो ऊपर वाला बॉक्स टिक करेंगे कि नो, डोंट ऐड माई फ़ोन नंबर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गूगल के सारी सर्विस के लिए आपका फ़ोन नंबर इसमें ऐड हो जाए तो आप बीच वाले बॉक्स पर टिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन नंबर सिर्फ अकाउंट सिक्योरिटी के लिए ऐड हो, बाकी किसी चीज़ के लिए ऐड ना हो, कि जब भी आप पासवर्ड चेंज करें तो आपका नंबर सिर्फ वेरीफिकेशन के लिए मांगे, तो उसके लिए आप नीचे वाला बॉक्स टिक करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ के लिए ऐड हो जाए, जो भी गूगल की सर्विस है, तो आप बीच वाला बॉक्स टिक करेंगे जो मैंने टिक किया हुआ है। आप चाहें तो बाद में भी अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, तो आप डन पर क्लिक करेंगे। अब अकाउंट रिव्यू का एक ऑप्शन आ जाएगा तो इसके लिए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक दूसरा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर सबसे नीचे आ जाएंगे तो मोर ऑप्शन लिखा हुआ दिखेगा। अगर आपके पास टाइम हो तो मोर ऑप्शन पर क्लिक करके आगे की चीज़ें देख सकते हैं और सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो सिंपली आई एग्री पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। वैसे मैं आपको बता, मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है वेब एंड ऐप एक्टिविटी का। तो अगर आप चाहते हैं कि आप गूगल पर या किसी भी ऐप पर कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ सर्च वगैरह करते हैं, तो वो गूगल के साइट पर सेव ना हो, तो आप यहाँ पर डोंट सेव माई वेब एक्टिविटी इन माई गूगल पर आप क्लिक कर देंगे तो वो सेव नहीं होगा, और ना ऑटोमेटिक ये लोग सेव पर ही लगा के रखते हैं तो वो सारी एक्टिविटीज़ सेव होता रहता है। दोस्तों, आपने ये नोटिस किया होगा कि आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो और अचानक आपके फ़ोन पे उसी का ऐड दिखने लग जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ कहीं सर्च करते हो या कहीं बात करते हो वो उसका ऐड आपको ना दिखे, तो आप यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे कि शो मी एड्स दैट, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको वैसे ही ऐड नहीं दिखेगा जैसी चीज़ आप सर्च करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वैसी चीज़ ऐड में आपको दिखे जो आप सर्च करते हैं या जो चीज़ आपको दिखती है, तो उसको वैसे ही रहने दीजिएगा। दोस्तों, इसके बाद आता है YouTube हिस्ट्री का। जैसे आप YouTube पर कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो वो सब यहाँ पर गूगल पर सेव करके रख लिया जाता है। जब तक आप डिलीट ना करें वो तब तक रहता है, और ये 36 महीने 3 साल तक यहाँ पर रहता है। अगर आप डिलीट ना करें तो 3 साल के बाद ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सारा डेटा, जैसे जो आप सर्च करते हैं, जो चीज़ आप देखते हैं, सेव रहे, तो आप सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी सेव ना हो, जो आप सर्च कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, तो नीचे डोंट सेव माई यूट्यूब हिस्ट्री लिखा हुआ है, इसको टिक कर देंगे। और अगर चाहते हैं कि सब सेव हो तो उसको वैसे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन है, अब जब भी किसी दूसरे फ़ोन में इस ईमेल आईडी को ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपको एक रिमाइंडर भेजा जाएगा। आप चाहते हैं कि वो रिमाइंडर आपके पास आए वो सारे सेटिंग्स का, तो इसको टिक कर देंगे, वरना आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर ऊपर चले जाते हैं और मोर ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, तो अब पहले वाले ऑप्शन पर वापस आ गए हैं। अब आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेकंड का टाइम लगेगा।
अब यहाँ एक और ऑप्शन आ गया है, आप जब भी अपना फ़ोन चेंज करेंगे तो पहले वाले फ़ोन में जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा, मैसेज होगा या जो भी ऐप एक्टिविटीज़ होगा, वो सब कुछ आपके पास सेव रहे तो आप ये बैकअप ऑन कर देंगे। जैसे कि ऑन है तो इसको रहने देंगे, अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी सेव ना हो तो इसे ऑफ़ कर देंगे, जैसे कि मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, अगले ही पल में आपका नया जीमेल आईडी प्ले स्टोर आईडी ओपन हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो मैंने जीमेल आईडी बनाया है वो बन गया है। तो इस तरीके से आप भी अपना जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही काम की वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।